खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं सुषमा। कश्मीर दिन भर में हम आपको जम्मू कश्मीर की तमाम खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो जम्मू कश्मीर की बात अगर हम करें तो आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन यहां पर जारी है। बारामूला के पट्टन में लश्कर ए तैयबा के एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा बलों के मुताबिक गिरफ्तार आतंकी साजिद फारूख डार ने हाल ही में लश्कर का आतंकी संगठन ज्वाइन किया था और वो बांदीपोरा का रहने वाला है। फिलहाल पट्टन पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की टीम आतंकी से पूछताछ कर रही है। इसका एक दोस्त साकिब बिलाल, जो दिसंबर 2018 में मुजगुंड में एक एनकाउंटर मारा गया था, ये इसके स्कूल में पढ़ता था, इसका जबरदस्त दोस्त था। जब उसके फ्यूनरल पे बड़े सारे लोग जमा हो गए थे तो उससे इसको उधर से दोस्त भी था इसका, तो बड़ा उससे इन्फ्लुएंस हुआ इसका, तो ये सोचा मैं किसी न किसी तरह ज्वाइन करूँ मिलिटेंसी। तो अल्टीमेटली कुछ ही दिनों पहले इसने ज्वाइन की थी मिलिटेंसी, इसने ज्वाइन की थी खुद ही। रहने वाला लड़का है ये, बेसिकली इसका नाम साजिद अहमद डार है, कोड इसका अदनान है, ये मधुबन हाजन का रहने वाला है। तो एक तरफ घाटी से आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश जारी है तो दूसरी तरफ अमन और शांति को और आगे ले जाने की भी कोशिश है। घाटी में सीआरपीएफ की 115 और 118 बटालियन की ओर से भारत दर्शन का टूर का आयोजन किया गया है और इसके तहत गांधरबल जिले के विभिन्न स्कूलों से चयनित 44 बच्चों को देश के विभिन्न इलाकों का दौरा करवाया जाएगा। टूर पर जाने वाले बच्चों के ग्रुप को आज आला अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। 7 दिन के दर्शन में भारत दर्शन के टूर पर बच्चों को मुंबई और दिल्ली के टूरिस्ट प्लेस पर ले जाया जाएगा। और आपको बता दें कि भारत दर्शन टूर का आयोजन सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आम लोगों के साथ पुलिस और सुरक्षा बलों के संबंधों को लेकर और बेहतर काम करने के लिए किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सब कश्मीर के लड़के हैं, हम 118 सीआरपीएफ के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें बाहर जाने का मौका दे रहे हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड हो गया ऐसे में। और मैं कभी फ्लाइट में नहीं गया हूं, ऐसे में मैं फ्लाइट आज देख सकता हूं, एरोप्लेन देख सकता हूं, बाकी जगह देख सकता हूं। मैं 118 बटालियन का बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे ये मौका मिल रहा है। सीआरपीएफ का 118 बटालियन और 115 बटालियन, ये दोनों का कमांडेंट्स के नेतृत्व में 50 लोगों को हम भारत दर्शन के लिए मुंबई दिल्ली भेज रहे हैं। तो रामनगर में हाल के दिनों में नवजात बच्चों की मौत के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल भी उठ रहे हैं। और इसी सिलसिले में नेशनल पैंथर्स पार्टी ने आज विरोध प्रदर्शन कर स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली के खिलाफ नारेबाजी की। एनपीपी का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की कारगुजारियों का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, ऐसे में लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, रामनगर में जो रहस्यमय मौतें हुई हैं उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, हेल्थ डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। और सबसे चिंताजनक बात यह है, अभी तक ये पता नहीं चल पाया, हेल्थ डिपार्टमेंट जो जम्मू कश्मीर का बड़े बड़े दावे करता है और ये कहता है कि उनको बड़े बड़े सर्टिफिकेट मिले हैं भारत सरकार से, ये तक पता नहीं चल सका है कि ये रहस्य, ये मौतें किस कारण हुई हैं। लंबित वेतन को लेकर वीडीसी यानी कि ग्राम रक्षा समितियों के सदस्यों ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। वीडीसी मेंबर्स ने साफ कहा है कि अगर वक्त रहते उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो वो अपनी सेवाएं नहीं देंगे। वीडीसी मेंबर्स का दावा है कि उन्हें पिछले 8 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है, वेतन नहीं मिला है। और आपको ये बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुदूरवर्ती और पर्वतीय गांवों की रक्षा के लिए सुरक्षा दूत के तौर पर ग्राम रक्षा समितियां ही काम करती हैं। हम लोगों ने आज दूसरी मर्तबा यहां हिमालयन ग्रामीण सुरक्षा सत्याग्रह आंदोलन के नाम से प्रोटेस्ट रखा हुआ है। 2015-16 से और 1996 से कुछ ऐसी कमेटीज़ हैं जिनको तनख्वाह ही नहीं मिल रही है, और बहुत सारी कमेटीज़ ऐसी हैं विलेज डिफेंस कमेटीज़ जिनको 2015-16 से तनख्वाह नहीं मिल रही है। हमारी मरकजी सरकार से एक ही गुजारिश है कि आप दारुल खलीफा में हुकूमत में बैठे हुए हैं, जिस तरह जिस SRO के तहत, जिस कानून के तहत, जिस पॉलिसी डॉक्यूमेंट के तहत विलेज डिफेंस कमेटीज़ के SPOs को सैलरी दी जा रही है, उसी तरह कोई एक वन टाइम पॉलिसी फ्रेम की जाए, एक कानून SRO बनाया जाए।
एक और नाराजगी की बात करते हैं। जम्मू और कश्मीर खिदमत सेंटर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने भी अपनी आवाज बुलंद की, अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी है। प्रदर्शनकारियों की अपील है कि उन्हें स्थायी किया जाए। उनका कहना था कि 2009 में खिदमत सेंटर्स की स्थापना जम्मू कश्मीर बैंक की ओर से की गई थी, मगर आज तक उनकी अनदेखी की जा रही है और हमें स्थायी नहीं किया जा रहा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। From last 35 days we are in a protest from Jammu Press Club. Now we have shifted the protest venues. We have started our protest from Srinagar also to push up for our genuine concerns. लेकिन शर्म की बात यह है और अफसोस के साथ हमें यह कहना पड़ता है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर बैंक की एडमिनिस्ट्रेशन, वो अभी भी टस से मस नहीं हो रही है। तो जम्मू में भी खिदमत सेंटर के संचालकों का प्रदर्शन देखने को मिला। और आपको ये बता दें कि पिछले 35 दिनों से खिदमत सेंटर के संचालक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 35 दिन से हम प्रोटेस्ट पे हैं यहाँ पे प्रेस क्लब जम्मू में। अभी हमने अपना प्रोटेस्ट शुरू किया है प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में भी। हम खिदमत सेंटर्स की डिमांड क्या है, सिंपल लफ्जों में हमने डिमांड रखी है जेएनके बैंक के सामने और गवर्नर साहब के सामने कि हमें जेएनके बैंक में अब्सॉर्ब किया जाए। वहीं श्रीनगर में डल कॉलोनी बेमिना के बाशिंदों ने अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ना उनके पास रहने के लिए बेहतर घर है और ना ही रोजगार, ऐसे उन्हें खासी मुश्किल से दो चार होना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पुनर्वास और रोजगार की मांग की। डिविजनल कमिश्नर्स तम वन अहन करो करान कहीं मिसाल बे रोजगार आए तंग वन जनाब तथि मजूर जमींदारी करान सीन बान जनान मोहनी तोत रोप ओर हथ रोप पाँच हथ अगर गास कड़ान अम ये बिहित मर्द जनान निश कथ तथा जनान मोहनू अगर सू वे सुबह सो कड़े खोर रोप हथस। वहीं सोपोर में बिजली की बेहतर आपूर्ति की मांग को लेकर लोगों ने आवाज बुलंद की है। नेहरपोरा के लोगों का आरोप है कि उनके इलाके में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था बेहद खराब है, जिसको लेकर संबंधित विभाग को कई बार बताया भी जा चुका है लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। गांधरबल के गादे हांजे इलाके में आग का तांडव देखने को मिला। रात के वक्त लगी आग देखते ही देखते इतनी विकराल हो गई कि कुछ ही देर में आग ने तीन घरों को अपने जद में ले लिया। हादसे में लाखों के नुकसान का अनुमान है। हादसे के पीड़ितों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। कल पता नहीं है 11 बजे क्या हुआ, कल शाम को ही आग लग गई थी। इस मोहल्ले को पता नहीं कितने जल जाते अगर फायर सर्विस जल्दी नहीं आती। पता नहीं इनके पास ये कपड़े खुद के नहीं है। अब गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं, इनकी हेल्प कीजिए। तो एक तरफ आग, दूसरी तरफ बर्फबारी। बर्फबारी की बात करते हैं तो घाटी में बर्फबारी का दौर जारी है, जिसको लेकर यहाँ पर्यटक काफी उत्साहित हैं। तो वहीं स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल गांधरबल के चांद गाँव में लोग बर्फबारी के बाद के हालात से काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि बर्फबारी के चलते उनके इलाके में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने इलाके में बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं के मुद्दे को भी उठाया है और उनका कहना है कि आसपास कोई बेहतर अस्पताल ना होने से लोगों को काफी परेशानी होती है, जिसके चलते गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के लिए करीब 5 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाना पड़ता है। जिसकी वजह से हमें मरीजों को दूर 7 किलोमीटर ले जाना पड़ता है और अगर कोई डिलीवरी केस हो उसको भी कंधे पर उठा कर ले जाना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हॉस्पिटल की है। यहाँ पर हॉस्पिटल का कोई मतलब निशाना नहीं है। ऐसे में बर्फबारी और बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग भी खस्ता हालत दिखाई देती है, वहां पर भी बेहद खराब स्थिति है। तो वहीं रामबन के नजदीक पहाड़ों से पत्थरों के गिरने से हालात बद से बदतर हो गए हैं और इसके चलते कई लोग रास्ते में ही फंस गए हैं। इन सब के बीच लोगों में प्रशासन के खिलाफ काफी नाराजगी है और लोगों ने प्रशासन पर वाजिब कदम ना उठाने के आरोप भी लगाए। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर हम बात करें तो वो भी बाधित है बर्फबारी की वजह से। लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं।